गाइस वेलकम टू माय चैनल केपी सिन्हा व्लॉग्स एंड आज है मेरी मम्मी का बर्थडे. सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना हैप्पी बर्थडे खुशी की मम्मी. और आज है गुरु गोविंद जी का बर्थडे भी है, आज गुरु नानक जयंती भी आज. सो हैप्पी गुरु नानक जयंती टू माय ऑल व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स, और जो नहीं भी हैं वो भी बन जाए उनको भी. और तो आज हम लोग अभी अपने फीस्ट का तैयारी कर रहे हैं और आज के दिन है बहुत शुभ दिन, आज गंगा स्नान है, कार्तिक पूर्णिमा है आज. सो आप लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं. देखो मेरी मम्मी के बर्थडे के दिन आज कितनी सारी चीज़ हो रही है, वाह. और अभी हम लोग अपने सारे फीस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो किचन थोड़ा सा ना गंदा है. और यहाँ पे दीदी ने सिलवट पे जीरा काली मिर्च ये सब पीस लेंगी फ्रेश एकदम. और ये दीदी का पनीर टिक्का मसाले का भी मैरिनेशन रेडी हो रहा है. और मैं बर्थडे केक खा के इतनी मेसमराइज हूँ अभी तक, गरम गरम इतना अच्छा लग रहा था. और अभी ना दीदी को मैं अकेले सारा काम करने दूँगी बिकॉज दीदी कल का सारा क्रेडिट ले गई, तो आज मैं भी पूरा योगदान दूँगी. सो इस कुकर में कुछ भी नहीं है, इसमें दिन के चावल हैं, तो फिर मैं अभी ज़्यादा काम करूँगी. तो मैं यहाँ पे लग गई हूँ सब कुछ चॉपिंग में, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चॉपिंग होता है. और इसमें ना कम से कम दो ढाई घंटा तो ज़्यादा हो गया, एक डेढ़ घंटा चला जाता है, क्योंकि एक एक चीज़ को छोटा छोटा काटना था मेरे को. और मतलब पहले मैंने गार ली, फिर बहुत सारी वेजिटेबल्स थी. और यहाँ पे मैं कुछ दीदी से बात भी कर रही हूँ. यहाँ पे दीदी टिक्के पनीर के लिए बेसन दही शिमला मिर्च और अनियन लीव्स को काट लिया है. और यहाँ पे दीदी ने ये रेसिपी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी, तो वहाँ पे जाके दे सकते हैं. मैरिनेशन के लिए पूरा मैरिनेट तैयार हो गया है. और अब इसमें सब वेजिटेबल्स और पनीर के बड़े बड़े टुकड़े भी जाएंगे. तो बेसिकली इसमें दही, बेसन, जीरा पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और नमक नहीं डलता, तो नमक आपको डायरेक्ट ग्रेवी में ही डालना है. इसको दो ढाई घंटा आराम से मैरिनेट होने दीजिए फ्रिज में. और ये बहुत यम्मी बनी थी, मेरी दीदी ने क्या मस्त पनीर बनाई थी यार, पनीर टिक्का मसाला. और ये मैरिनेट हो रहा है, अब इसके ऊपर जाएगा पनीर. तो पनीर को डालने के बाद ना देख लो अब क्या मस्त शॉट है यार. हाँ, तो पनीर को डालने के बाद आपको क्या करना है, उसको ज़्यादा ऐसे पूरा घुमाना नहीं है वरना आपके पनीर के पनीर भुर्जी बन जाएगा. बहुत आराम से आपको उसे कोट करना है, और आराम से कोट करने के बाद इसको फ्रिज में डाल देना है. सेफ साइड के लिए आप दो ढाई घंटा कर लो, वरना हमने तो इसे 3 बजे किया था और बनाया हमने 7 बजे था. अच्छे से मैरिनेट हो गया था, अच्छे से सारे मसाले अंदर तक पी लिए थे पनीर ने. तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और गोभी को ग्रेट करके रख लिया है मंचूरियन बॉल्स के लिए. देन यहाँ पे मैंने सारी जो भी सब्जियों में अदरक मिर्च बीन्स और शिमला मिर्च पड़ेगा, मैंने वो सब कट करके रख लिया है. और अब यहाँ पे जो मैं बोल रही थी वो वीडियो बहुत लंबा हो गया था, तो मैंने यहाँ पे भी वॉइस ओवर ही कर दिया. तो अभी मैं ये बता रही हूँ कि मैं ये सारे मैश में नमक डाल करके रख दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि इसका पानी निकल जाए. और पानी निकलने से क्या होगा कि मेरा जो बॉल्स होंगे वो बहुत हल्के बनेंगे, वरना पानी हो जाएगा ना तो फिर मैं मतलब वो हैंडल नहीं हो पाता और फिर वो तला भी नहीं जाएगा. मैंने फर्स्ट टाइम जब बनाया था, जब मैं 9th क्लास में थी, तब मेरे को पता नहीं था कि पानी स्क्वीज आउट कर देते हैं. मैंने ऐसे ही बना दिया था, तो मैंने इसको एक जगह रख दिया है. देन कढ़ाई भी मैंने चढ़ा ली है, और इतनी फुर्तीली नहीं हूँ मैं वीडियो को, ऑफकोर्सली मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है. और यहाँ पर मैं मलाई कोफ्ते के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ. तो यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं और 200 ग्राम पनीर ले लिया है. और उसके बाद उसमें कुछ नहीं, बस आपको मिर्ची डालनी है, कश्मीरी मिर्च नहीं तीखी वाली, और नमक डालना है थोड़ा सा. देन उसमें धनिया डालना है और हरा मिर्च डालना है मैश में. और उसको अच्छे से वैसे ना वो यूट्यूब वाले जो भी रेसिपी जिसकी मैं देख रही थी, उन्होंने बोला कि आपको एक ग्रेट करना है, बट मैंने तो सिंपली मैश कर लिया क्योंकि मैश से ही मेरा अच्छे से हो गया. और हाँ, उसमें ना आपको जीरा पाउडर एंड काली मिर्च पाउडर भी डालना है. और अगर आपको रेसिपीज़ अच्छे से चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और बहुत अच्छी रेसिपीज़ भी बनाती हूँ. तो मैंने एक एक करके सारे मसाले डाल रही हूँ जो मैं आपको आगे बता चुकी हूँ. और हाथों का यूज़ मैं ज़्यादा करती हूँ, हाथ साफ़ रहते हैं मेरे, बिल्कुल साफ़ रहते हैं, सच्ची बता रही हूँ मैं. और यहाँ धनिया पत्ती काट लिया है. और इसके बाद मैं यहाँ पे पनीर को भी मैंने यहाँ पे ले लिया है, और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा धनिया पाउडर. बहुत मतलब आप देख रहे हैं मैंने पिंच यूज़ किया, बिकॉज अगर जितना पनीर कोफ्ता
वो होता है ना मीठा होता है उतना ही अच्छा लगता है, ना ही कि उसमें वो बहुत सारे गरम मसाले और वो सब। तो यहाँ पे मैंने एक कॉर्नफ्लावर डाल दिया है, कॉर्नफ्लावर ज़्यादा नहीं डालना, आई नो बाइंडिंग में प्रॉब्लम होगी, टूट भी जाएगा। तो आप क्या करना कि मैदे से उसको कोट कर लेना, वो पाउडर्ड मैदे से आप थोड़ा कोट कर लेना, और ज़्यादा कॉर्नफ्लावर और मैदा डालने से क्या होता है कि वो सिर्फ मैदा और कॉर्नफ्लावर का ही टेस्ट आता है, पनीर कोफ्ते का नहीं आता है। ट्रस्ट मी, बहुत बढ़िया पनीर कोफ्ते बने थे। इसको देख रहा मैं कैसे पंच मार मार के इसको कर रही हूँ मैश, और फिर इसको बस अब मेरे को इसे मोल्ड करना है। तो यहाँ पे अब मैं एक एक करके ओवल शेप के पनीर कोफ्ते बना रही हूँ। वैसे दो शेप के होते हैं, एक तो बॉल साइज शेप होती है और एक पनीर मतलब एक ओवल शेप के होते हैं। मैं इसके अंदर कुछ भर नहीं रही हूँ, काजू किशमिश वगैरह, बिकॉज मैं जो ग्रेवी बनाऊँगी वो बहुत रिच एंड थिक बनाऊँगी, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस तो अभी मेरा मलाई कोफ्ता एक बैच तल गया है, और ये मैं मंचूरियन के लिए ग्रेटेड सब्जियों का मैंने पानी स्क्वीज आउट कर लिया, देन एक बैच मलाई कोफ्ते का तल रहा है और धीमी आंच पे सेकना है। लास्ट का बच गया था तो मैंने इसे सर्कल बना दिया, और बहुत सॉफ्ट बने थे, बहुत अमेजिंग भी बने थे। और इसमें क्या करना है, मैंने मैदा मिलाया है, नमक मिलाया है, अदरक लहसुन का पेस्ट एंड ब्लैक पेपर को मिला करके उसका मैं छोटे छोटे बॉल बना लूँगी। हाथों पर गौर मत करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हाथों पे गौर मत करना, पर बहुत ही अम्मी बॉल बनाया। हाँ, मैंने इसमें कच्चा प्याज भी कट करके डाला, ये मेरा सीक्रेट है, बहुत अच्छा बनता है। और मेरा फर्स्ट बैच यहाँ पे निकल चुका है। देन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर्ड को कर लिया ताकि मैं वो रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी बना सकूँ, और मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ ये। और मेरे पनीर कोफ्ते जो है वो यहाँ पे रेडी है, बहुत सॉफ्ट है। नहीं खुशहाली जा पीछे जा अभी नहीं। सो अभी फिर ये जैसे ही फ्राई हो जाएंगे मैं आपसे बाद में मिलूँगी। और हाँ, मैंने पैन उतार लिया है ताकि मैं इसमें रेड सॉस बना सकूँ। मैं रेड सॉस वाले पनीर कोफ्ते बना रही हूँ आज, वाइट सॉस वाले नहीं बना रही। तो अभी अब मिलते हैं सब बनाने के बाद, बनाते वक्त। तो यहाँ पे मैंने मसाले ये सब डाल दिया है, और अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में डालना, मैं आपको तसल्ली से बना करके दिखा दूँगी। वैसे मैं बता देती हूँ बरबर से, इसमें खड़े मसाले बड़ी इलायची वगैरह वगैरह गया है, और मैं वॉइस ओवर में दे दूँ। तो मैंने इसमें चार पांच गिनती के ब्लैक पेपर, बड़ा इलायची, छोटा इलायची, एक लौंग और कटा हुआ प्याज डाला है। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, मतलब हल्का सा ऐसे ही पिंक ही में। इसमें अब टमाटर, कैश्यूज और नमक। इसका एक सीक्रेट बताऊँ रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने का, इसमें किशमिश डालो, 15 से 20 छोटी छोटी किशमिश। देन इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल दो, मतलब मैं कितना बताऊँ, आधा चम्मच शक्कर डाल दो। एंड देन वही जो नॉर्मल गरम मसाला, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, और उसको अच्छे से आप मिक्स कर लो। और मैं इसमें आप तीखी वाली लाल मिर्च मत डालना, इसमें ना आप रेड चिली, वो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, वो डालना, जस्ट बिकॉज कलर, क्योंकि मलाई कोफ्ता ना एकदम वो होना चाहिए सॉफ्ट एंड मीठा, ना ही कि चटपटा, क्योंकि वो। और थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने ताकि मेरे मसाले जले नहीं। तो मैंने ये थोड़ी देर पहले हंग कट बना लिया था ताकि मैं चटनी बना सकूँ, ये हो चुका है। और ये मैंने अभी ये सारा पेस्ट पीस लिया, एकदम स्मूथ पेस्ट है। तो अब मैं इसे ऐसे फिल्टर कर लूँगी, छान लूँगी, और पानी चाहिए होगा आपको तो आप ज़रूर ले लेना, ताकि वो क्या होगा ना कि वो स्मूथ सा टेक्स्चर हमको मिलेगा हमारी मलाई कोफ्ते में, ना ही कि वो खश खश वाला, और वो होता है ना एक मसाले वाला, वो नहीं मिलेगा। तो ये वाली मैं टेक्निक यूज़ कर रही हूँ, ये मैं पहली बार ये वाली रेसिपी बना रही हूँ, बिकॉज ये मेरा मन कर रहा था, बाकी मुझे नहीं पता। और इसमें भी हम पानी वानी सब ऐड करेंगे, और जो भी हमारा फालतू का एक्सट्रैक्शन होगा वो सब हम निकाल लेंगे। अब इसमें खूब सारा है तो मैं, तो बस अभी क्या करना है, तेल डालना था उसमें, रेड चिली कश्मीरी लाल मिर्च डालना, देन उसमें सारा पेस्ट आप ऐड करके और कसूरी मेथी डाल करके उसे ढक देना, अपने आप ही ग्रेवी पक जाए। तो मेरा दो चीज़ें तैयार हुए, दो नहीं मैं कहूँगी डेढ़ चीज़ें तैयार हुई। एक तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी, और ये मलाई कोफ्ते का ग्रेवी, और ये रेड वाली है। तो खुशहाली से कवर कर दो ज़रा, और खुशहाली भी इसको अभी रेडी कर रही है अपना ग्रीटिंग कार्ड। तो
तो ये मैरिनेशन को अभी 3-4 घंटा हो गया। दीदी यहाँ पे तवे पे से सेक लेगी, नॉन स्टिक तवा है और ये बहुत यम्मी लगता है, बड़ा टेस्टी लग रहा है। तो हमारा भाई किचन में तभी आता है जब घर में कुछ अच्छा बन रहा होता है। ये देखो टेस्टिंग टाइम। ओ भाई वो आ रही है मम्मी। सच में चाय है ना, चलो बोले। और वरना यश कभी नहीं आएगा, ये तो एकदम यशु दीदी क्या करे दिल्ली वालों की याद आता है। और अभी चलते मजबूर खुशहाली के पास। तो खुशहाली कुछ काम नहीं कर रही है, वो अपना वही काम कर रही है जो उसे करना है। तो यहाँ पे खुशहाली जो है ना वो बहुत परेशान है, बिकॉज उसको समझ ही नहीं आ रहा वो मम्मी के लिए क्या ग्रीटिंग कार्ड बनाए, बेचारी बहुत परेशान है। और बैक टू इन द किचन, यहाँ पे दीदी पनीर टिक्का मसाला के लिए मसाला रेडी कर रही है। पता है इतनी यम्मी खुशबू आ रही थी ना, मज़ा आ गया बस। और यहाँ पे मैं कुछ तो कर रही हूँ, हाँ यहाँ पे मैं फ्राइड राइस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। इधर मैंने गार्लिक एंड मिर्ची और अनियन, नहीं फ्राइड राइस नहीं, मंचूरियन है, मंचूरियन है। तो ये मैं मंचूरियन के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, देन इसमें मैं डाल दूँगी, एक्चुअली मैं भूल गई मैं क्या डालूँगी। इसको पहले अच्छे से स्टोर कर लेंगे, उसके बाद कैप्सिकम बीन्स ये सब डालने के बाद इसमें जाएगा रेड चिली सॉस, भर भर के डालना है आपको, इसमें कंजूसी नहीं करना। रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, शेजवान, देन रेड चिली पाउडर और टमाटो केचप फॉर बैलेंसिंग योर ऑल रेसिपी, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन्ग्रीडियंट होता है ना मुझे जो लगता है वो है कॉर्नफ्लावर, जो आप मतलब और ब्लैक पेपर। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर भी डाल दिया है। सो कॉर्नफ्लावर को आप एक तरफ घोल करके रख लीजिए, और जब तक आपकी सॉसेस तेज़ आँच पे, मतलब ये नहीं कि कम आँच पे आप ये बना रहे सब्ज़ी, नहीं, ये बहुत कच्चा क्रंची बनता है, बहुत यम्मी लगता है। और एक तरफ मैं यहाँ पे जब तक ऐसे रोस्ट होगा ना तब तक मैं यहाँ पे वो कर लूँगी, नमक वमक डाल लूँगी। और फिर मैं एक तरफ ना कॉर्नफ्लावर को भी मैं निकाल रही थी, एडजस्ट कर रही थी कि कितना जाना चाहिए, क्योंकि ना अगर कॉर्नफ्लावर कम होगा ना तो फिर आपका ग्रेवी पानी जैसा बनेगा, स्लरी नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर को एक कटोरी में वो चम्मच से घोल लूँगी लम्प फ्री। और यहाँ पे आगे चल के मेरा मलाई कोफ्ता वगैरह सब रेडी हो चुका है खाना। रेडी और यश ने कुछ नहीं किया मम्मी के बर्थडे के लिए हेल्प। सो ये रहे लच्छे पराठा, मलाई कोफ्ता, ये चटनी सिरका वाला प्याज, ये टकाटक पनीर, ये एक सेकेंड, ये फ्राइड राइस, देन ये मंचूरियन और ये कुछ प्लेन रोटी बनाई है मम्मी और पापा के लिए। सो ऑल माई फूड इज़ रेडी, बर्थडे गर्ल इज़ ऑल्सो रेडी एंड वी आर ऑल्सो रेडी फॉर ईटिंग। आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो कार्तिक पूर्णिमा के लिए ना हमने बाहर कैंडल्स जला रखी थी, सब ने जला रखी थी क्योंकि आज नहान भी है कार्तिक पूर्णिमा। मम्मी जल्दी जल्दी देखो उधर, देख मम्मी इधर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, कितनी प्यारी साड़ी है, अच्छा है, रेड बहुत अच्छी है, मैं पापा की तरह ऐसे देखो, ऐसे देखो डार्क वाला, तेरे पास एक भी साड़ी नहीं थी। और अब खुशहाली का गिफ्ट है मम्मी का, खोल इसे पहले खोल, बहुत मस्त बना है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ये देखो बहुत सुंदर है, मुझे साड़ी बहुत पसंद है, मेरे हाथों देख, हां करने पे डालो पापा के, करने पे डालो दोबारा, बहुत सुंदर है, मुझे तुम्हें बहुत थैंक यू, पिंक है, बोल रहा हूं क्या पिंक है मम्मी, मस्त देख है, बॉर्डर, हां ये पल्ला है, ये पल्ला देख थैंक यू खुशहाली, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, उसको संभाल के रखना, फेंकना पापा फेंक देखो, पापा का गिफ्ट लल्लन टॉप है, कैसा लगा,
बैठे बैठे छुएंगे। मेरे को नहीं दिया ना, जाओ मैं नहीं बात कर रही हूँ। सब में बांट दिया, छह ही बने थे क्या गिनते? बहुत ही अच्छा लगा भैया, अम्मी अम्मी था। मलाई कोफ्ते दो तीन बार अच्छे नहीं बन रहे थे, लेकिन मलाई कोफ्ते मेरे मन पसंद सारे मलाई कोफ्ते। तो मम्मी को सारा खाना बहुत बढ़िया लगा। अरे वाह, मम्मी आपका बर्थडे था ना, इसलिए सारा वो प्यार से निकला था, प्यार से। सो ये खुशहाली ने ग्रीटिंग कार्ड बनाया है और ये बहुत अच्छा, मतलब उसकी हैंड राइटिंग खुशहाली की मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इस पे सनील का हैप्पी बर्थडे मम्मी, ये फॉन्ट भी अच्छा है। और खुशहाली खोलना, और ये प्रॉपर इसने ऐसा बुके बनाया है। मस्त है। तो मम्मी लोग ना इसी में बहुत खुश रहती कि मेरे बच्चों ने ग्रीटिंग कार्ड बनाया, मेरे लिए एफर्ट किया, और मम्मी बहुत इमोशनल भी हो गई थी। तो कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे मम्मी। अभी 12 बज रहे हैं और दीदी अभी पढ़ रही है, क्योंकि दिवाली की वजह से ना पढ़ाई और डाइट बहुत गंदी वाला मिस हुआ है। मतलब दिवाली की मिठाई ना यहाँ यहाँ पर आ गई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और पढ़ाई के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पोर्शन रह गया, वो भी करना है। तो मुझे लगता है मैं वीडियो तो भी बहुत कम ही डाल पाऊंगी, बट जितने भी डालूंगी तो स्टे विद मी, स्टे विद केपी सिनो व्लॉग्स। बाय बाय, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना हैप्पी बर्थडे खुशी की मम्मी।